दोस्तों मेरा नाम है अनुज और आज हम लोग करने वाले हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो, बिकॉज इंतजार की घड़ी हो गई है खत्म। बहुत ज्यादा डिमांड थी भाई इस टॉपिक की, मतलब आपने ऐसा कर रखा है कि मुझे रात के टाइम भी यही सपना आता है कि मेरा प्रोटीन इंटेक कितना है। जी हाँ गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कितना प्रोटीन इंटेक आपका होना चाहिए, क्योंकि आपके इतनी क्वेरीज से प्रोटीन इंटेक के बारे में फाइनली आज रिजॉल्व होने वाले हैं। बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करने से पहले फिर भाई आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए कवर कर रहे हैं, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप हर वीडियो पे लाइक दिखाओ। जितने व्यूज हैं मुझे उतने ही लाइक चाहिए और उतने ही कमेंट चाहिए। ढीठ बन जाओ, नीचे कॉमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। इन्फॉर्मेशन अच्छी नहीं भी लगती लिख तो जाके कि भाई इन्फॉर्मेशन अच्छी नहीं है, लेकिन फीडबैक जरूर छोड़ना। अब गाइस बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज हम लोग बात कर रहे हैं प्रोटीन इंटेक की। मैं परेशान हो गया हूँ, आप लोगों ने इतने डीएम्स मुझे कर दिए हैं इंस्टाग्राम के ऊपर कि भाई प्रोटीन इंटेक का पता कैसे चलता है कि कितना प्रोटीन इंटेक लिया जाए। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक बेसिक गाइडलाइन की, जो कि जनरली एक्सेप्टेबल है, जो कि काफ़ी सारी कंट्रीज में काफ़ी सारी जो इंटरनेशनल बॉडीज है उन्होंने भी प्रिस्क्राइब करा हुआ है। वो ऐसा कहते हैं कि एक ऑर्डिनरी आदमी और औरत, यानी कि एक ऑर्डिनरी सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिसका है, ऐसे मेन उनका इंटेक होना चाहिए कम से कम एक दिन का 50 ग्राम और विमेन का होना चाहिए कम से कम 40 ग्राम। अब ये हम लोग बात कर रहे हैं कम से कम, यानी कि आप अगर सोफे पे पड़े रहते हो पूरे दिन बिस्तर पे सोते रहते हो तब भी आपको आपकी बॉडी को इतनी कम से कम रिक्वायरमेंट है, चाहे आपका वेट कुछ भी हो। अब हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से पता चलेगा कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट कितनी है। सबसे पहले इसमें आता है आपका लेवल ऑफ एक्टिविटी, आपका टारगेट, आपका क्या बॉडी रिकॉम्पोजिशन या बॉडी कॉम्पोजिशन का टारगेट है। दोस्तों आप इस चीज़ को समझो कि जब हम लोग बात करते हैं प्रोटीन इंटेक की, तो प्रोटीन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है और आपकी बॉडी को उसकी ज़रूरत सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि बेसिक सर्वाइवल के लिए ज़रूरत है, वो तो है ही, उसके अलावा आप कितना मसल मास होल्ड करेंगे ये भी डिपेंड करेगा कि आप कितना अच्छा आपका प्रोटीन इंटेक लेके जा सकते हैं। इसके ऊपर मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसे कुछ फैक्टर्स जिसकी वजह से प्रोटीन का जो इंटेक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले बता दूं, जो सबसे ज़्यादा रिसर्च्ड है कि आप अगर प्रोटीन इंटेक अपना बढ़ाते हैं, सबसे ज़्यादा जो उसको फ़ायदा मिलता है वो मिलता है अगर आप किसी फॉर्म का वेट लॉस के ऊपर है। मैं आपके सामने गए इस लैपटॉप से यहाँ पर रीड करूँगा कुछ स्टडी के लिंक, आपको सारे के सारे स्टडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, प्लस आपके सामने स्क्रीनशॉट्स भी आएंगे, आप इन्हें वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक स्टडी है, उसमें पाया गया कि आप जब प्रोटीन इंटेक अपना बढ़ाते हैं तो उससे क्या होता है, आपका मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो बूस्ट होता है। और इससे क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि आप जब वेट लॉस करते हैं आपका अगर मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होगा तो आपका जो कैलोरी एक्सपेंडिचर है वो भी इंक्रीज होगा, तो एक तरीके से आपका डेफिसिट बढ़ाने में आपको हेल्प मिलेगी अगर आप प्रोटीन का इंटेक बढ़ाते हैं। ये रिसर्च प्रूवन है, आप इसका स्टडी का लिंक अच्छे से चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा स्टडी में ये भी पाया गया उसी स्टडी में कि आपका जो एपेटाइट होता है, यानी कि आपको जो भूख लगती है, क्योंकि कुछ लोगों क्या होता है कि अब जब वो बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा ओवर वेट होते हैं, बहुत ज़्यादा ओबीस होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से भी होते हैं, बहुत ज़्यादा उनको भूख लगती है, वो कंट्रोल नहीं हो पाता उन्हें अपनी भूख के ऊपर, उसकी वजह से भी होते हैं। सो उस भूख को भी काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं अगर आप अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाते हैं। अब आपके सामने स्टडी आ रहा है, उसमें आप देख पाएंगे कि अगर आप अपना कैलोरी का इंटेक 25% बढ़ाते हैं फ्रॉम प्रोटीन, यानी कि कार्ब्स की जगह आप 25% प्रोटीन की तरफ लेके जाते हैं अपना कैलोरी इंटेक, उससे क्या होता है आपकी फीलिंग ऑफ फुलनेस बढ़ती है और उससे क्या होता है कि जो आपका लेट नाइट आपको क्रेविंग होते हैं उसके चांसेस है कि आप 60% आपको जो वो लेट नाइट क्रेविंग है वो नहीं होंगे अगर आप अपना डेली का प्रोटीन इंटेक बढ़ाते हैं। मतलब ये चीज़ एस्टैब्लिश हो चुकी है स्टडी के अंदर, इतना ज़्यादा रेलेवेंस है जब हम लोग बात करते हैं वेट लॉस की और इंक्रीज इन प्रोटीन इंटेक इन योर डाइट। अब जो आपके सामने स्टडी आ रहा होगा उसमें आप देख सकते हैं कि जिन लोगों ने वेट लॉस कर भी लिया, ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो लोग हाई प्रोटीन डाइट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट, बट एटलीस्ट अच्छी मात्रा में आप अगर प्रोटीन इंक्लूड करते हैं, ज़्यादा चांसेस हैं कि जो आपने रिजल्ट हासिल करें उसको आप सस्टेन कर पाएंगे अगर आप इनफ प्रोटीन अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं।
इसके अलावा गाइस आप ये जो स्टडीज हैं इसमें जितना भी रेफरेंस पॉइंट लिया गया है प्रोटीन इंटेक का, आप देख पाएंगे कम से कम 30% ऑफ टोटल कैलोरी उन्होंने प्रोटीन से लिया। सो अप्रोक्सीमेटली आपका अगर डेली का 2000 कैलोरी का आपका डाइट होता है और आप उससे अगर 30% आप प्रोटीन से लेंगे तो दैट कम्स टू अराउंड 150 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। ये हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या रेफरेंस पॉइंट था इन स्टडी में। ऐसा नहीं है कि अब आप इस चीज़ को पकड़ के बैठ जाओ कि मैंने 150 ग्राम बोल दिए। अभी 150 ग्राम डिपेंड करेगा कि आपका खुद का वेट कितना है, उसके हिसाब से आपकी मेंटेनेंस कैलोरी कितनी है और फिर आप कितने टाइम से ट्रेनिंग कर रहे हैं और आपका टारगेट क्या है। लेकिन आप सोचिए, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था मिनिमम था 50, लेकिन इन स्टडीज में लोगों ने 150 ग्राम तक का भी प्रोटीन इंटेक अपना डेली का रखा है और ऐसे रिजल्ट्स हासिल करें। तो दूसरा एक सबसे बड़ा एडवांटेज जो होता है प्रोटीन इंटेक को बढ़ाने का आपकी डाइट में, वो होता है प्रिजर्वेशन ऑफ मसल मास और आप ज्यादा मसल्स बिल्ड कर पाते हैं अगर आप प्रोटीन इंटेक अपनी डाइट में बढ़ाते हैं। इसका रीजन गाइस क्या है कि आपका अगर बॉडी के अंदर एक पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस बना रहता है, यानी कि आपकी बॉडी में नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा रहती है, तो आपकी बॉडी एक तरीके से ज्यादा मसल बिल्ड कर पाती है। और प्रोटीन के अंदर सिंस नाइट्रोजन ज्यादा होता है, इतने खैर आपको उसमें जाने की जरूरत नहीं है कि कहाँ नाइट्रोजन ज्यादा कहाँ नाइट्रोजन कम, लेकिन जो आपके सामने स्टडी के लिंक आ रहे हैं आप ये देख पाएंगे कि अगर आप अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाते हैं और एक पर्याप्त मात्रा में जितने की आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, फिर से आपको बता दूं जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, मेरी नहीं, मैं अगर 250 ग्राम प्रोटीन ले रहा हूं, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट अगर 500 ग्राम है तो आपकी 250 ग्राम में भी आपकी नीड्स पूरी नहीं होती है। सो आपकी बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट है उतना आप जब प्रोटीन कंज्यूम करेंगे तब आपकी बॉडी इनफ मसल्स बना पाएगी और आप एक पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस में रह पाते हैं। इसी की वजह से प्रोटीन का जो इंटेक है वो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो जाता है। इसके अलावा आपने कई बार मेरी वीडियोस में मुझसे सुना होगा कि जितना हो सके आपको अगर फैट लॉस भी करना है आपको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए इन बिल्डिंग योर मसल्स। उससे क्या होता है, जितना ज़्यादा आप मसल मास बिल्ड करेंगे होल्ड करेंगे उतना ही ज़्यादा आप एनाबॉलिक रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आप फैट मास कम होल्ड करेंगे, आपकी बॉडी ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेगी आइडियल कैपेसिटी में भी, बिकॉज मसल मास इज मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव देन फैट मास। अब जब बात आती है मसल मास बिल्ड करने की, मसल मास होल्ड करने की, यहाँ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ कुछ स्टडीज के ऊपर। एंड आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोग जो वीडियो देख रहे हैं इसीलिए देख रहे हैं, उनको लग रहा है अच्छा काम की बात तो अब आई है कि बॉडी बनाने के लिए कितना प्रोटीन पर ग्राम लेना पड़ेगा बॉडी बिल्ड का। आपको गाइस मैं कुछ यहाँ पे स्टडीज का रेफरेंस पॉइंट दूंगा। एक जो स्टडी जो आपके सामने आ रही होगी, इनफैक्ट इसमें काफ़ी सारे स्टडीज हैं जो ये इस चीज़ को प्रपोर्ट कर रहे हैं, वो ये बताते हैं कि आपने अगर मसल्स गेन करने तो आपको 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट, यानी कि 2.2 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी आपको कंज्यूम करना चाहिए अगर आपको मसल्स बिल्ड करने, ये कुछ स्टडीज बताते हैं। इसके अलावा और कुछ स्टडीज हैं जो ये बताते हैं कि आपको कम से कम 0.7 ग्राम पर पाउंड या फिर 1.6 ग्राम पर केजी, यानी कि कुछ स्टडीज ऐसे जो बता रहे थे 2.2 ग्राम पर केजी और कुछ स्टडी ऐसे जो बताते हैं कि 1.6 ग्राम पर केजी। अब दोनों में ही कुछ सब्जेक्ट्स ने मसल्स बिल्ड करे, यानी कि 1.6 पर भी हुए और 2.2 पर भी हुए। अब गाइस कुछ स्टडीज ऐसे हैं जो कि साफ साफ ये बताते हैं कि 1.8 ग्राम से ज्यादा जब प्रोटीन इंटेक ले जाया गया पर किलोग्राम ऑफ योर बॉडी वेट, आपको कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं देखे गए इन टर्म्स ऑफ मसल बिल्डिंग। यानी कि आपने अगर 1.8 ग्राम पर केजी भी लिया और आपने 4.8 ग्राम पर केजी भी लिया तब भी आपके मसल्स उतने ही बिल्ड हुए, ऐसा स्टडी कहते हैं। अब आप अगर देखें तो इससे जो रेफरेंस निकल के आता है एक रेंज का, वो आता है 1.6 टू 2.2 और 1.8 के बाद कुछ ज़्यादा एडिड एडवांटेज नहीं देखा गया। अब आप ये चीज़ देखो कि ये बहुत ज़्यादा ना वाइड रेंज है, 1.6 से लेकर 2.2 तक आप इसे अगर अपने बॉडी वेट से मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत बड़ी रेंज आती है। अब इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब आप ये चीज़ मुझे लिखते हो किसी कमेंट सेक्शन में, कहीं बताते हो कि मैंने भाई 2 ग्राम पर किलोग्राम अपना जो है बॉडी वेट का प्रोटीन लिया हुआ है, उससे मेरी बॉडी नहीं बन रही है, मुझे कितना लेना चाहिए, अरे भाई आपको मैं एक ऐसा फिक्स कोई भी फिगर नहीं दे सकता हूँ, जब स्टडीज़ भी नहीं दे पाए आज तक, क्योंकि ये स्टडीज़ थोड़ा सा इसमें इनकन्क्लूसिव है। और उसका रीज़न ये है क्योंकि आप ये चीज़ देखो कि जो सब्जेक्ट्स भी आते हैं, जो ट्रेंड इंडिविजुअल भी होते हैं, किसी का ट्रेनिंग हिस्ट्री कुछ और है, किसी का ट्रेनिंग स्टाइल कुछ और है, तो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशंस होते हैं। और इसीलिए मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ, चाहे वो मैं हूँ, चाहे आप मुझे अपना कोच अगर मानते हैं, या फिर कोई आपके जिम में आपके ट्रेनर आते हैं, आपके शहर में कोई ट्रेनर है डाइटिशियन है, आप उनसे कंसल्ट कीजिए, वो आपको बताएंगे कि आपको प्रोटीन इंटेक आपकी बॉडी से कितना होना चाहिए। आप सिर्फ
किसी यूट्यूबर ने आके जिसके कि बड़े बड़े डोले हैं तुम्हारे भाई की तरह, मेरे तो बहुत ज़्यादा नहीं है, पर किसी यूट्यूबर ने आके ये बोल दिया कि भाई आप जो है बॉडी वेट का 3 ग्राम प्रोटीन आप ले लीजिए, आपने ले लिया 450 ग्राम ऑफ प्रोटीन, आप इतना ज़्यादा प्रोटीन आप में से आधे से ज़्यादा लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता, फिर आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम रहते हैं, आपको इनडाइजेशन रहता है, पूरे दिन आप जिम में जाके बदबू फैलाते हो, फिर आप मुझे लिखते हो कि भाई हमें गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं, वो इसलिए होते हैं मेरे भाई क्योंकि आपकी बॉडी की इतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आप उसे कहाँ पर दिए जा रहे हो प्रोटीन पर प्रोटीन। सो इसलिए आप में से जो मेरे ऐसे दोस्त हैं जो इसीलिए इस वीडियो को देख रहे थे कि भाई आपको एक आंसर मिल जाएगा ये प्रोटीन का कि भाई इस वीडियो को देखिए कि भाई हाँ इतने ग्राम प्रोटीन लेना है, मेरे दोस्त ऐसा नहीं होने वाला है, वो इम्पॉसिबल है। अगर ऐसा होता तो फिर तो सही बात है, स्टडी के ऊपर जाके आप कहीं पे भी देख सकते थे कि भाई हाँ इतना बताया और इतना प्रोटीन आप ले लो, ऐसा नहीं है, एक वाइड स्पेक्ट्रम होता है और उसी के अकॉर्डिंग इंडिविजुअलाइज प्रोग्राम के ऊपर, इंडिविजुअल टारगेट के ऊपर, इंडिविजुअल ट्रेनिंग हिस्ट्री के बेसिस पर आपका प्रोटीन इंटेक डिसाइड हो पाता है। आपके जिसका आपको अगर मैं कंक्लूजन दूँ, आपको फिर से रिमाइंड करा दूँ कि हम लोगों ने वीडियो कहाँ से शुरू करा था, 50 ग्राम तो कोई भी अगर ऑर्डिनरी बंदा होगा उसको ज़रूरत पड़ेगी प्रोटीन की डेली में, और अगर विमेन है तो 40 ग्राम कम से कम हो गया। अब उसके बाद जो नीड ऑफ प्रोटीन है ना वो डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। आपने देखा होगा कि जब कोई लैक्टेटिंग मॉम होते हैं या फिर आपको कोई इंजरी हुआ होता है, आपको बुखार था, आप उससे रिकवर कर रहे हो, आपको डॉक्टर प्रोटीन एक्स रिकमेंड करता है, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। इसी तरह से सेडेंटरी लाइफस्टाइल को कंपेयर नहीं किया जा सकता अगर आप डेली जाके वेट ट्रेनिंग करते हैं। ऑफकोर्स अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं आपका प्रोटीन इंटेक थोड़ा ज़्यादा होगा, तो अगर कुछ ऐसे मेरे दोस्त हैं जिनके पेरेंट्स उनसे ये चीज़ बोलते हैं कि भाई आप इतना ज़्यादा प्रोटीन क्यों खाते हो, क्या ज़रूरत है आपको डेली इतने सारे एग्स खाने की, बिल्कुल ज़रूरत है। अगर आपका एक एथलीट लेवल का वर्कआउट होता है, आप बहुत ज़्यादा एंड्योरेंस के लिए ट्रेनिंग करते हैं, तब भी आपका प्रोटीन इंटेक ज़्यादा होना चाहिए, वरना आपको हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। दोस्तों मैं सच बता रहा हूँ, कोई ये इतना आसान नहीं होता है कि आपने किसी का यूट्यूब वीडियो देख लिया और आपने अपने लिए प्रोटीन इंटेक डिसाइड कर लिया। हमने यार इतनी स्टडीज़, इतना सब कुछ हम पढ़ते हैं, ऐसे ही पागल नहीं है हम लोग। इतना आसान नहीं होता है कि सिंपल मैं आपको एक फिगर दे दूं और हर इंसान को इररिस्पेक्टिव ऑफ एज ग्रुप, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, इररिस्पेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग हिस्ट्री, इररिस्पेक्टिव ऑफ टारगेट, आप सबके लिए एक मैं आपको बता दूं कितना प्रोटीन ले लो, ऐसा नहीं होता है। वो डिपेंड करेगा आपके इंडिविजुअलाइज ट्रेनिंग के ऊपर और बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों ये था वीडियो ऑन प्रोटीन इंटेक, कितना प्रोटीन इंटेक होना चाहिए, कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं। आई एम श्योर कि आज की जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कुछ नई होगी और आप इससे काफ़ी चीज़ें सीखे होंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर आप फीडबैक ज़रूर देकर जाना कि वीडियो कितने एजुकेटिव था कि नहीं था, क्या चीज़ कवर नहीं हो पाई। मैं कोशिश करूँगा कि इसके ऊपर एक और वीडियो बना दूँ अगर बहुत ज़्यादा आपके डाउट्स रहेंगे, और कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स कमेंट सेक्शन में जाके क्लियर कर दूँ। इसके अलावा गाइस आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, लिंक्स अवेलेबल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आई एम एन ऑनलाइन कोच एज वेल, मैं ट्रेनिंग कराता हूँ मेरी वेबसाइट के थ्रू sixpacktemi.com, आप चेक कर सकते हैं हमारे ट्रांसफॉर्मेशन, आप चेक कर सकते हैं हमारी सर्विसेज के बहुत सारे टेस्टिमोनियल। इसके अलावा गाइस अगर आपको लगता है ट्रेनिंग बहुत महंगी है, आप चेकआउट कर सकते हैं ग्राफी ऐप के ऊपर, हमारे एक वीडियो ईबुक ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर 1000 रुपये के अंदर आपको मिलता है मोर देन 5 आवर्स ऑफ वीडियो कंटेंट, वर्कआउट की वीडियो भी, डाइट की वीडियो भी हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको उसका भी इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर दिया होगा, नहीं करा तो अभी करके जाना और कॉमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर छोड़ के जाना, 100K टारगेट है, जल्दी से अचीव कराओ। मिलते हैं गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, चीयर्स।